हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ टी एन एम जी आर एम यू के बारे में। आपको किस तरह से इसमें एडमिशन लेना है, कौन कौन से इसमें कोर्सेज होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आए तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाए। देन आप यहाँ पर सर्च करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गए हैं। इसमें यहाँ पे दिया गया टी एन एम जी आर एम यू एडमिशन 2023 एप्लीकेशन सून डेट्स एलिजिबिलिटी पैटर्न एंड सिलेबस। देन यहाँ पे इसका दिया गया यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन फॉर्म पी जी एंड डिप्लोमा कोर्सेज के लिए जल्दी रिलीज होंगे एंड इसका फुल फॉर्म है तमिलनाडु डॉक्टर एम जी आर मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसका फुल फॉर्म है। देन आपके सामने यहाँ पे एक फॉर्म आ गया जिसमें आपका फुल नेम, ईमेल आई डी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाइस्ट क्वालिफिकेशन, देन आपको गेट फॉर काउंसलर में क्लिक करना रहेगा। इससे क्या होगा, आपके ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। देन यहाँ पे नोटिफिकेशन आया कि एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको जल्दी रिलीज होंगे। आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्या गुड न्यूज़ है, इंडिया के टॉप 4 यूनिवर्सिटीज में पारुल यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड एलियंस यूनिवर्सिटी, इन सब यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन स्टार्ट है फ्री फ्लो में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप यहाँ से जो अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हाईलाइट्स दिया गया है जैसे कि यूनिवर्सिटी का नेम क्या, यूनिवर्सिटी का नेम है टी एन एम जी आर एम यू, फिर इसका फुल फॉर्म है तमिलनाडु डॉक्टर एम जी आर मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पे यू जी एंड पी जी कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो ऑनलाइन मोड से एंड ऑफलाइन मोड से आपको फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम मोड यहाँ पर नहीं दिया गया है एंड देन ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी गई है, हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, एड्रेस दिया गया है, ईमेल आईडी है एंड इसके वाइस चांसलर डॉक्टर सुधा सशान यहाँ पे इसका वाइस चांसलर है। यहाँ पे तमिलनाडु दिया गया स्टेट है, यहाँ पे इंडिया इसकी कंट्री है। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया है जैसे कि किसी भी इसका डेट आता है जैसे नोटिफिकेशन का या एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट या फिर रिजल्ट, इन सब में से किसी भी चीज़ का डेट आएगा तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। सो अभी तो किसी भी चीज़ का डेट नहीं आया है। देन यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फिल करना रहता है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपने सारे इन्फॉर्मेशन देना रहता है जैसे आपके पेरेंट्स का नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, एजुकेशन एंड मनी मोर, मतलब और भी सारे आपको इन्फॉर्मेशन देने रहते हैं। उसके बाद आपको 1100 रुपीस आपको अपना एप्लीकेशन फ़ीस देना रहता है। देन यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से कोर्सेज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं। यूजी कोर्सेज के लिए अलग है एंड पीजी कोर्सेज के लिए अलग दिया गया है। फिर यहाँ पे दिया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे दिया गया आप किस तरह से इसमें एलिजिबल होंगे। यहाँ पे बीडीएस कोर्स के लिए यहाँ पे दिया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको 12th पास होना चाहिए, 50% से वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होना चाहिए सब्जेक्ट। एंड यहाँ पे 10% दिया गया एससी एंड एसटी स्टूडेंट्स के लिए। देन यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग होती हैं। देन हम आते हैं यहाँ पे एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड जो एग्ज़ाम को 10-15 डेज पहले आती हैं, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ एंड आपको अपना रोल नंबर टाइप करना रहता है। उसके बाद आप जो अपना रिजल्ट एडमिट कार्ड देख सकेंगे, एडमिट कार्ड देखने का आप से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर रिजल्ट दिया गया, रिजल्ट एग्ज़ाम में कुछ दिन बाद आते हैं, या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं अपने पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना रहता है। उसके बाद आप जो अपना रिजल्ट देख सकेंगे। अगर आपने अपना रिजल्ट देख लिया तो फिर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर पीडीएफ बना सकते हैं। फिर यहाँ पे एडमिशन काउंसलिंग दी है, आपको किस तरह से इसमें एडमिशन लेना है। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।